हेलो दोस्तों, मैं राहुल पटेल, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बताएंगे, अगर आप एमएक्स प्लेयर को यूज करके वीडियो को देखते हैं तो दोस्तों आप ऐसे में लगा सकते हैं एमएक्स प्लेयर पर। डार्क मोड कैसे लगाने हैं, डार्क मोड एमएक्स प्लेयर पर आज की वीडियो में ही बताएंगे। दोस्तों, हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, यूजर नेम है राहुल पटेल ऑफिशियल 86 या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। दोस्तों एमएक्स प्लेयर पर डार्क मोड कैसे लगाएं इस वीडियो को देख लेते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको ओपन करना है एमएक्स प्लेयर ऐप को, मैं ओपन कर लेता हूँ। एमएक्स प्लेयर ऐप को ओपन हो रहा एमएक्स प्लेयर, उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों डार्क मोड लगाने के लिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा 3 लाइन का ऑप्शन, ऊपर दिखाई दे रहा 3 लाइन का ऑप्शन। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे। दोस्तों यहाँ पर आपको डार्क मोड लगाने के लिए आपको डार्क थीम का ऑप्शन दिखाई दे रहा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको डार्क मोड लग जाएगा एमएक्स प्लेयर ऐप पर। यहाँ पर देख सकते हैं एमएक्स प्लेयर पर डार्क मोड लग चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डार्क मोड लगाने के लिए दोस्तों आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन हो गया। यहाँ पर आपको डार्क थीम का ऑप्शन दिखे, यहाँ पर से आप इनेबल कर सकते हैं डार्क मोड को। दोस्तों बहुत आसान तरीका है डार्क मोड लगाना। कुछ लोगों को डार्क मोड में ऐप को यूज करना पसंद आता है। दोस्तों ऐसे में आप डार्क मोड लगा सकते हैं। दोस्तों आप किसी भी ऐप को यूज करें तो डार्क मोड लगा कर यूज करें। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।